अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं जी। आज वीकेंड है तो मैं सोचा कि आपको डिफरेंट तरह के सैंडविचेस बनाना सिखाऊंगी, जो बहुत मज़े के और इजी होते हैं, जो घर में आपको चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो उन्हीं में मैं आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सैंडविचेस बनाना सिखाऊंगी, जो ब्रेकफास्ट में या लंच में। मैंने मुख्तलिफ़ किस्म की वेजीज़ ली हैं, इनको मैंने चाप कर ली है, तो आप चाहें तो इसमें चिकन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम बेसिकली आज हम वेजीज़ का बना रहे हैं ना, सैंडविच, क्लब सैंडविचेस बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ ये बेल पेपर लिए, रेड बेल पेपर, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। ये ग्रीन चिलीज़ हैं, इनके सीड्स निकाल दिए तो उनको बारीक चॉप कर लिया। ये एक ऑनियन जो है इसको बारीक चॉप कर लिया, और ये स्प्रिंग ऑनियन है इसको भी मैंने बारीक कट कर लिए, चॉप कर लिया। और ये मैंने दो एवोकाडो लिए हैं, इनको इस तरह काट लिए मैंने इनको। और यहाँ पे एक कप योगर्ट जो है इसको मैंने 2 घंटे हैंग करके इसका जो पानी है वो निकाल लिया। ये अब बहुत अच्छा क्रीमी सा जो है हो गया। इसमें हम चाहे तो मायोनीज़ भी डाल लें, चाहे तो वैसे ही हम इसको मिक्स करके तो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ जो है इसको श्रेड कर ली है, तो ये 3 अंडे हैं, इनको बॉयल कर लिया। तो सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं, इनको मैंने बॉयल कर ली है, तो अब हम इसको कट करके यूँ तो इनको यूँ सेपरेट कर लेंगे। और एक बर्तन लेके इसमें हम इसकी योक रखते जाएंगे, हम इधर चॉप कर लेंगे ये सफ़ेदियों को, इसे ये योक को हम यूँ अब हम इसमें 1 टेबलस्पून में इस तरह करके मायोनीज डालूंगी। ये मैंने नीचे योग की और मायोनीज की जो मिक्स पेस्ट बनाई थी और उसमें मैंने अब चॉप किया हुआ ऊपर सफ़ेदी डाल दिया। अब मैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे और ब्लैक पेपर क्रश करके डालेंगे, ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। इसमें लिटिल बिट हम वाइट वेनेगर डालेंगे, चाहे तो आप लेमन भी डाल सकते हैं इसमें। इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये पेस्ट हमने बना के रख दिए। इधर ये एवोकाडो कटा हुआ लेंगे और इसमें हम ये जो दही हमने लिया इसको हम पहले अच्छे से इस तरह कर लेंगे, और इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, ब्लैक पेपर डालेंगे। चाहें तो आप इधर लहसुन जो है वो भी बारीक चॉप करके डाल सकते हैं जी। ये मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है मायोनीज़ मिक्स कर ली है, सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर जो है क्रश करके डाली है, तो इसको मैं इसे मिक्स कर लूँगी। तो एवोकाडो जो है वो आपके पास हो तो आप वो भी सैंडविच में लगा सकते हैं, अगर आपके पास ना हो तो ये एक आइडिया है, जस्ट आप इसकी जगह कोई भी यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल या फ्रूट, ये सीज़न पे डिपेंड करता है कि जो सी चीज़ आपके पास हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं कुछ जो है ये एवोकाडो में यूज़ करूँगी, वन एंड हाफ टेबल स्पून। ये मिक्सचर बना कर रख दिया है, तो अब यहाँ पे वेजीज कुछ लेंगे हम, ये कुछ ग्रीन चिली डालूंगी मैं इसमें, कुछ ऑनियन डालूंगी, ये कुछ स्प्रिंग ऑनियन डालूंगी, और ये रेड बेल पेपर। ये गर्मियों में होता है ना कि गर्मी लगती है, तो ये समर के लिए ट्रीट है समझें,
बहुत मज़े के लगते हैं ये ठंडे ठंडे। आपको ना ये जो योगर्ट है और ये जो वेजीज हैं ये ठंडा ठंडा आपको ना फील होगा ये वाले सैंडविच खाने से, बहुत मज़े के लगेंगे। मैं मायोनीज 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ और इसमें हम वेजीज के हिस्से का सॉल्ट और ब्लैक पेपर भी डालेंगे। योगर्ट को तो हमने पहले से ही ऐड किया था लेकिन ये चीज़ें कम ही रखा करें, ज़्यादा नहीं, लाइट सा इनका टेस्ट जो है ना अच्छा लगता है। इसको हम मिक्स करेंगे। चलिए अब हम सैंडविचेस जो हैं वो असेंबल करते हैं। ये भी हमारा रेडी हो गया। अब हम एक स्लाइस के ऊपर इस तरह ये वेजीज वाला जो है ये अच्छे से हम सारा एक स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे और ले सकते हैं डिफरेंट तरह का हो। इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ये तो अब हम ये इसके ऊपर लगा रहे हैं। आप इसी तरह चाहें फिर एक अंडे की लेयर लगा सकते हैं जितना आपने उसको बड़ा बनाना हो। मैं बस इतना ही रखूँगी, वो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम साइडों से यूँ कट लेंगे, कट कर लेंगे। इसको बाद में कट करने से मकसद दरमियान से कट करेंगे। अच्छा लग रहा है तो आप इसी तरह इसकी एक और भी लेयर बना सकते हैं। तो ये जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया है, फिर इसको मैं दिखाती हूँ। और उसको यूँ आपने टाइट करते हुए से करेंगे और उसको टाइट करके अच्छी तरह से रैप कर देना। इसके कोने जो हैं वो परफेक्ट बनेंगे। तो इसी तरह ये क्लब सैंडविच जो है इसकी लेयर्स कितनी अच्छी नज़र आ रही हैं। तो इसी तरह मैं अब आपको एक जो फ्राई करते हैं वो भी दिखा देती हूँ। इसी तरह हम लेयर्स लगाएंगे। अब ये इस पे मैंने ये स्प्रेड कर लिया। इधर मैंने एक पैन जो है वो चूल्हे पर रख लिया है। तो एक हम स्लाइस लेंगे, उसको इस तरह ये अब इसमें इस ब्रेड पे मैं मेल्टेड बटर जो है ये लगा रही हूँ। इस तरह ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। इस पे मैंने चीज़ लगानी है। ये जब गर्म होगा तो फिर चीज़ भी मेल्ट होगी। मैं इसको इधर लगा रही हूँ। अब इस पे मैं, आप चाहें तो चीज़ का जो स्लाइस होते हैं वो रख सकते हैं, चाहे तो श्रेडेड चीज़ जो है वो यूज़ कर लें। अंडे वाली पेस्ट लगाएंगे, थोड़ी चीज़ लगाएंगे। और एक और ब्रेड का पीस लेके तो उस पर हम ये मेल्टेड बटर जो है ये लगा के, तो इसकी ये वाली जो साइड है ये हम नीचे पैन में रखेंगे। ये आपकी अपनी मर्जी है कि उस पर आपने कितना लगाना है। अब हम ये वाली साइड ऊपर रखेंगे और अब हम इसको इस तरह उठा के अपने पैन पर रख देंगे और इसे मीडियम टू लो पे कुक करेंगे। इस तरह प्रेस करते हुए, बहुत ज़्यादा नहीं प्रेस करना। अब हम इसकी इस साइड पे भी बटर लगा देंगे।
आप इसकी साइड पे चाहें तो इधर चॉप किया हुआ गार्लिक, जो गार्लिक ब्रेड होती है, लगा सकते हैं। चाहें तो आप जैसे मस्टर्ड सीड्स होते हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन हमें उसका फ्लेवर पसंद नहीं है, जिसको पसंद हो वो लगा सकते हैं। हम इसकी साइड फ्लिप कर लेंगे और ये नीचे कर लेंगे और इसको रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट कर लेंगे, ये देखिए माशाल्लाह ये चीज़ के साथ वो कैसे सारा कंबाइन हो गया है, कितनी अच्छे इसके लेयर्स बने हैं।